हेलो दोस्तों, इंडियन चाल बास पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर, मैं आया हुआ हूं परभनी, महाराष्ट्र में मैं हूं। और यहां पर एक रेस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बस बहुत शानदार रेस चल रही है और एआर स्टार्ट फार्म वाले इस रेस को करा रहे हैं। तो चालबाज घोड़े तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक मारवाड़ी घोड़ा आया है जो देवराज रनिया का बच्चा है, ब्लेज इसका नाम है और परभनी का ही है, लोकल। तो सर का है, सर से बातचीत करेंगे। सर, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाल के। जी जी, आज परभनी का जो हमारे मित्र है जी, वो हॉर्स रेस ले रहे रेस, उसलिए आपने वक्त निकाल के आए। जी जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत परभनी शहर में। धन्यवाद सर। पहले आप अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए दर्शकों। जी, मेरा नाम है इंद्रजीत वरपुड़कर जी, और मेरा सर्ट फार्म का नाम है नक्षत्र सर्ट फार्म। आज यहाँ मेरे साथ मेरे दो मित्र आए मेरे साथ। जी जी, सम्राट जादव योला से और सोहेल भाई नांदेड़ से, और मेरे छोटे भाई भी है जो कि वहाँ खड़े है, और ये मेरी लड़की जिसका नाम सभी को है। सभी को शौक है। हाँ, इसकी वजह से नाम रखा है मैंने। हाँ, इसका नाम ब्लेज और खूबसूरती बेमिसाल है। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक कह सकते हैं कि बहुत मशहूर घोड़े का बच्चा है जी। परभनी में कैसे छुपा हुआ था ये? नहीं, छुपा हुआ नहीं था भाई साहब, नहीं ये पता तो, नहीं यहाँ पर रेस में तो लेके आए आप, इतनी अच्छी चीज है ये। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रेस हो रहा है और घोड़े का रेस है, इसलिए। और ये चैंपियन भी है ना घोड़ा? जी, कहाँ कहाँ जीता है ये? मिलतीत में अकलुशो विनर है। अच्छा, तूतीत में अकलुशो विनर है। सारंगखेड़ा शो विनर है तूतीत में। अच्छा, फिर पूना शो जो सबसे प्रेस्टीजियस शो है उसमें भी तूतीत में ये विनर है। अभी क्या हाइट वगैरह क्या हो गई है? अभी इसकी हाइट भाई साहब 64 के करीब है। और जैसे अगर बात करें कि जैसे एज क्या हो गई है अब इसकी? एज अभी 4.5 साल एज है, लेकिन एटीट्यूड मारवाड़ी का लगी है। क्या बात है ब्लेज, वाकई बहुत शानदार घोड़ा है और रेस में यहाँ पहुँचा है। दर्शकों की निगाह यही सबकी इसी पे ही है जी। तो अभी क्या रिजल्ट वगैरह कैसे आ रहे हैं इसके? जी, अभी यहाँ इसके 7-8 रिजल्ट आ चुके हैं मेरे। अच्छा, आ चुके हैं अभी। और अभी लगभग 50 के करीब हमारे रीजन में, अकोला, अच्छा, लातूर, अच्छा, नांदेड़, अच्छा, परभनी, हिंगोली, तो सब जगह अपना चल रहा है बस। जी, मानसिंह दादाजी है जी, जी, कोल्हापुर के। अच्छा, उनकी भी घोड़ी ब्रीड करके गई है। तो ये आपके पास कितना टाइम? थोड़ा सा वॉक करा दीजिए, आप यही रुकिए, आप रुकिए, ये वॉक करा देंगे। हाँ, थोड़ा सा आप रुकिए, यहाँ बात करते हैं। हाँ, अगर जैसे बात करें कि आपके पास कितना टाइम हो गया इसको? जी, मेरे पास इसको 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो गए? 3.5 साल हो चुके। तो क्या आपको अच्छा लगा था कि भाई ये घोड़ा हमें लेना है? जी, ये तो भाई मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मेरा मानना ऐसा है जी कि ये नसीब की बात है। सही बात है जी। मेरी जो फैमिली है, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे जो दादाजी थे अंबादास वरपुड़कर, उनको भी काफी घोड़ों का शौक था। मेरे जो बड़े चाचा जी है सुरेश वरपुड़कर जी, फिर चंद्रकांत देशमुख जी, विजय जी वरपुड़कर, और मेरे जो सबसे छोटे चाचा है जी, उन्हीं को मेरे घर में सबसे ज्यादा शौक था। हाँ, वो बाला साहब जी वरपुड़कर यहाँ आ चुके हैं स्टेज पे बैठे हैं, और जो कि चाल के शौकीन थे। हाँ, उन्हीं का जो हमारे मराठी में बोलते हैं वारसा। हाँ, हाँ, वो उन्हीं का वारसा मुझे यहाँ प्राप्त हुआ। लेकिन एटीट्यूड शानदार है और एक कह सकते हैं कि जो नस्ल है जी, वो जो लाइन है वो। लेकिन इसकी एक खास बात बोलते हो, मेरे मित्र है पंजाब से जी, अनिता भाई सुकुंडे सिद्धू जी, जी जी, जिन्होंने मुझे ये घोड़ा बच्चा रेफर किया था। उनकी इच्छा थी कि आप ये बच्चा लीजिए जी, और मैंने ये बच्चा देखा भी नहीं था, उनके ट्रस्ट पे लिया। अच्छा जी, इसमें सबसे जो मेन बात मुझे अच्छी लगी हाँ, जी उसका ब्लेज है जो। अच्छा, इसीलिए इसका नाम ब्लेज रखा है जी। उसके जो परदादा है हाँ, आलीशान हाँ, जो कि आज आलीशान ने मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड को इंडिया में काफी कुछ दिया है। वैसे काफी नामी घोड़े जी, जी, वरखाना का घोड़ा था, रत्नाकर घोड़ा था, देवली ब्लड था। हमारे एरिया में जूनियर आलीशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूनियर आलीशान बोलते हैं। है भी खूबसूरती शानदार, इसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, ब्लेज सब आलीशान से मैच है। बहुत बढ़िया जी। तो चलिए सर, और अभी हमने ये इसको कवरिंग के लिए रखा है। तो क्या अभी जैसे बात करें तो अभी चालू है कवरिंग के लिए? कवरिंग चालू है, अभी शो के लिए रेडी कर रहे हैं उसको। अब कहाँ लेके जाएंगे? अभी हम इसको, हमारा प्लान है कि ये आने वाले शो में इसको अकलू शो में लेके जाएंगे। लेकिन सर कुल मिला के चीज बहुत खरी है आपके पास, खरा सोना है। ये तो घोड़ा परभनी के सभी का घोड़ा है, ये परभनी की शान है और महाराष्ट्र की आन बान शान है। तो चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा बात करके। उम्मीद यही करते हैं कि बस ऐसा ही नाम करता रहे, जहाँ शो में जाओ बस कप उठा के लाओ। थैंक यू बात करने के लिए। बहुत बहुत आप लोग का भी धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।